क्या आपने ऐसी गाड़ी पहले कभी देखी है जो ऐसे फिसल कर चलती हो? क्या आपने पहले कभी इतना छोटा बंदर देखा है जो आपकी उंगली के ऊपर बैठ सके? और एक इंसान कितने लंबे समय तक बर्फ के अंदर बैठ सकता है? फैक्ट नंबर 10, आज तक आपने बहुत सारी अजीबोगरीब गाड़ियां देखी होंगी, लेकिन ये गाड़ी सबसे अजीब है। इस गाड़ी का नाम है साइडवेज VW कैंपर वैन। इस गाड़ी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया हो और फिर ये गाड़ी ऐसे फिसल कर जा रही है। 1970s की वॉक्सवैगन गाड़ी को जेफ ब्लॉच ने इसे ट्रांसफॉर्म किया है। ये गाड़ी केवल 8 सेकंड के अंदर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकती है और इस गाड़ी की हाईएस्ट स्पीड है 160 किलोमीटर। फैक्ट नंबर 9, ये है दुनिया का सबसे छोटा बंदर। इसका नाम है पिग्मी मर्मोसेट्स। ये पाया जाता है अमेज़न के घने जंगलों में और इसका वजन केवल 100 ग्राम होता है। और क्योंकि ये इंसान की बस उंगली के बराबर होता है, इसलिए इसे फिंगर मंकी भी बोलते हैं। फैक्ट नंबर 8, ये है फ्रांस के रहने वाले रोमेन वेंडेंटॉप। इन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे समय तक बर्फ के अंदर रहने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन्होंने केवल अपने सर को बाहर रखा था और लगातार 2 घंटे 34 मिनट तक बर्फ के अंदर रहे। अगर इतनी देर तक मैं बर्फ के अंदर रहूंगा तो मैं फिर वहाँ से बाहर आने के लायक नहीं रहूंगा, मैं वहीं पे समाधि ले लूंगा। मस्त। फैक्ट नंबर 7, देखो अमेरिका के रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के बाद टिप लेने और देने का कल्चर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए साल 1955 में रसल यॉक्स ने डिवाइस बनाया था जो वेटर्स अपने पीछे पहन सकते थे। जैसे ही वेटर खाना देके मुड़ता था तो उसके पीछे से ऐसे हाथ आ जाता था कि टिप दबाए सर। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने इतनी मोटी चींटी पहले कभी देखी है? इन चींटियों का नाम होता है हनी पॉट। चींटियों की कॉलोनी में इनका काम ये होता है कि जब भी बहुत सारा खाना एक साथ मिल जाए तो इस सारे खाने को अपने पेट के अंदर ऐसे जमा कर लेती है और फिर टाइम आने पर बाकी चींटियां इन चींटियों से खाना ले लेती हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या होगी जो फेंसेस लगे होते हैं, जो बॉर्डर्स लगे होते हैं, उनमें से लगातार हवा बहती रहे और लगातार बर्फ गिरती रहे तो ये जो आप शानदार पैटर्न देख रहे हो ये पैटर्न बन जाएगा। फैक्ट नंबर 4, दुनिया की सबसे गहरी जगह है मारियाना ट्रेंच और वहाँ पर आज तक केवल 8 लोग जा चुके हैं। और अगर हम बात करें स्पेस की तो वहाँ पर 550 से ज्यादा लोग जा चुके हैं, लेकिन केवल एक इंसान है जो दोनों जगह जा चुका है और उसका नाम है कैथी सुलिवन। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट है लड़कियों के लिए, इसे बोलते हैं एंटी पर्वर्ट हेयरी स्टॉकिंग्स। ये तब काम आती है जब मेट्रोज में बसेस में लड़के घूर रहे होते हैं और परेशान कर रहे होते हैं, तब ये लड़कियां पहनकर जा सकती हैं। और फिर जब लड़का जैसे ही नीचे देखेगा तो उसका मूड खराब हो जाएगा, क्या देख लिया, मूड खराब हो गया पूरा, फिर उसके बाद उसका आपके ऊपर से मन उठ जाएगा और आपको परेशान करना छोड़ देगा। फैक्ट नंबर 2, आज की तारीख में जब हमें चीजों को एक देश से दूसरे देश पहुंचाना होता है हमारे पास बड़े बड़े शिप्स होते हैं जो बहुत सारा सामान एक साथ ले जा सकते हैं, लेकिन आज से 100-150 साल पहले ऐसा नहीं था। तब के लोग ऐसे लंबी लंबी लकड़ियों को लेते थे और ऐसे पानी के ऊपर बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते थे जिनके ऊपर ज्यादा सामानों को रखकर ले जाया जा सके। ऐसे एक बड़े स्ट्रक्चर को बनाने में 1.5 महीना लगता था और स्ट्रक्चर 700 फीट लंबे और 55 फीट चौड़े होते थे। फैक्ट नंबर 1, अगर हम अपनी धरती को दुनिया को ध्यान से देखेंगे तो हमें बहुत सारे शानदार स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। सेम ऐसा ही होता है अगर हम एक जगह से लगातार मून की पिक्चर्स रोज लेते रहे 28 दिनों तक, तो एक ऐसा एक बहुत ही एपिक स्ट्रक्चर बनकर सामने आता है। तो ये तो थी फैक्ट्स की बात, यहाँ पे सारे फैक्ट्स खत्म।